दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में, जिन्हें आप YouTube पर इजीली वॉच कर सकते हैं। और इन सभी मूवीज के लिंक्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इन मूवीज के अंदर आपको कमाल का एक्शन एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी मूवीज यूट्यूब पे इलीगली अपलोड की जाती है। इन फ्यूचर अगर इन मूवीज के लिंक्स वर्क नहीं कर रहे तो आप मेरे टेलीग्राम से इन मूवीज को डाउनलोड करके देख सकते हो। टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे हॉलीवुड की बेस्ट लेटेस्ट मूवीज पोस्ट होती रहती हैं, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लेना। और हाँ यार, मोस्ट ऑफ द लोग ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कह रहे होते हैं कि भाई ये वाली मूवी अपलोड कर दो, फ्लां वाली मूवी अपलोड कर दो। तो आप में से कुछ लोग जिन मूवीज की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनमें से अधिकतर मूवीज ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड होती हैं। आप जिस मूवी की रिक्वेस्ट कर रहे होते हो उस फिल्म को अपने सुपर फिल्मी बॉय टेलीग्राम पर एक बार सर्च कर लिया करो। अगर आपको फिल्म सर्च करने के बाद ना मिले तो ही आप रिक्वेस्ट किया करो। तो फिर गाइस बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन मूवीज का काउंटडाउन। अगर हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं तो वो भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं। माय गॉड, स्केरी मूवी 2। ये मूवी आई थी 2001 में, जिसे IMDb ने 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइज एक नेक्स्ट लेवल की हॉरर कॉमेडी मूवी है। गाइज अगर आपको एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी वॉच करनी है तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म की कहानी बेस्ड है चार स्टूडेंट्स के ऊपर, जिन्हें एक प्रोफेसर हायर करता है एक हॉन्टेड घर के अंदर एक रात गुजारने के लिए। और टीनएजर्स उस घर के अंदर रहने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन उस हॉन्टेड घर से बाहर आने के लिए उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उस घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं जो इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होगा ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी वॉच करनी पड़ेगी। प्रिंस ऑफ पर्सिया द सैंड्स ऑफ टाइम, ये मूवी आई थी 2010 में, जिसे IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइज ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। इस फिल्म के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है मिस्र की, जहाँ पर एक राजा होता है और उसका इल्जाम उसके बेटे पर ही लगा दिया जाता है। और उस राजा के बेटे का नाम होता है दास्तान, और वो कत्ल दास्तान ने नहीं किया होता बल्कि वो किसी और ने किया होता है, और इल्जाम दास्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। इसी बीच दास्तान को एक मैजिकल खंजर मिलता है जिसकी मदद से टाइम में पीछे जाया जा सकता है, यानी कि वो नाइफ टाइम को रिपीट कर सकता था। तो इस मूवी के अंदर आप देखना ही है क्या दास्तान अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म। कमाल की एक्शन फैंटेसी मूवी है गाइस, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नंबर 8 पे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर, ये मूवी आई थी 2011 में, जिसे IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये फिल्म आपको कैप्टन अमेरिका की ओरिजिनल स्टोरी दिखाती है, यानी कि स्टीव रॉजर्स कैसे कैप्टन अमेरिका बने थे। ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म की कहानी बेस्ड है कैप्टन अमेरिका के ऊपर, जो डिसाइड करता है कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा, लेकिन गाइज स्टीव की पर्सनैलिटी इतनी खास नहीं होती तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद स्टीव की मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट से, तो बस यहीं से इस फिल्म की कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है जो देखने लायक है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होगा ये जानने के लिए आपको देखनी होगी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। नंबर 7 पे एक एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है द मम्मी, ये मूवी आई थी 2017 में, जिसे IMDb ने 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर आपको टॉम क्रूज देखने को मिलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है। खुदाई के दौरान वहाँ पे कुछ लोगों को क्रुइडेन नाइट का एक मकबरा मिलता है, जिसमें वो देखते हैं एक पुराना ताबूत और उसके अंदर एक ममी होती है जो हजारों सालों से उसके अंदर बंद होती है। उसके बाद वो लोग हवाई जहाज के अंदर उस ताबूत को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उस हवाई जहाज के अंदर अचानक से लाखों की तादाद में कौवे अटैक कर देते हैं, यानी कि वो सोई हुई मम्मी जाग चुकी थी। तो अब वो शहर के अंदर क्या तबाही मचाती है इसे आगे आप इस मूवी के अंदर ही वॉच कीजिएगा। नंबर 6 पे ड्रैकुला अनटोल्ड, ये मूवी आई थी 2014 में, जिसे IMDb ने 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म की कहानी बेस्ड है ड्रैकुला के ऊपर, जिसकी सल्तनत खतरे में होती है, यानी कि ड्रैकुला का किंगडम खतरे में होता है, उसके लोग मर रहे होते हैं, और वो निकल जाता है एक सफर पर जहाँ पर उसे ढूंढना होगा एक वैम्पायर को, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बनना चाहता है। जब ड्रैकुला की मुलाकात एक बूढ़े वैम्पायर से होती है तो वो उसे अपना खून पिला देता है और ड्रैकुला एक वैम्पायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो वैम्पायर बन जाता है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर ड्रैकुला अपने किंगडम को बचा पाता है कि नहीं, ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर वॉच करने को मिलेगा। नंबर 5 पे एक एक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है वर्ल्ड वार जेड, ये मूवी आई थी 2013 में,
जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 7.0 out of 10। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अक्सर जोम्बी मूवी की स्टोरी सेम ही होती है, तो इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा ही सेम दिखाया जाता है कि शहर के अंदर अचानक से वायरस फैल जाता है और लोग जोम्बीज के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि जोम्बीज बनने लगते हैं। तो इस महामारी बीमारी के अंदर इंसान अपने आप को बचा पाते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी वर्ल्ड वार जेड। कमाल की बेहतरीन मूवी है गाइस, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नंबर 4 पे मॉन्स्टर हंटर, ये मूवी आई थी 2020 में, जिसे IMDb ने 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस ये फिल्म बेस्ड है एक्शन एडवेंचर के ऊपर। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है कुछ सोल्जर से, यानी कि कुछ फौजियों से जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहां पे एक तूफान आ जाता है और वो तूफान उन्हें एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर ले जाता है। वो दुनिया होती है मॉन्स्टर की, जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर रहते हैं। तो अब ये सोल्जर्स का ग्रुप वहां पर कैसे पहुंचा और अब ये अपनी दुनिया के अंदर कैसे वापस आते हैं या फिर वो उन मॉन्स्टर से कैसे बचते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी मॉन्स्टर हंटर। मेरी मदद करोगे? नंबर 3 पे एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है प्रोमीथियस। ये मूवी आई थी 2012 में, जिसे IMDb ने 7.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस इस 2 घंटे 4 मिनट की मूवी के अंदर आपको एक अलग ही लेवल का फिक्शन देखने को मिलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े साइंटिस्ट से, जो ये पता लगाना चाहता है कि इंसान को आखिर किसने बनाया। तो साइंटिस्ट कुछ लोगों को स्पेस में भेजता है रिसर्च करने के लिए कि आखिर इंसान को किसने बनाया और इंसान जमीन पर कैसे आया। लेकिन गाइस जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये टीम रिसर्च करने के लिए एक अदर प्लेनेट पर पहुंच जाती है, बट इन्हें पता ही नहीं होता कि इनकी बैंड बजने वाली है। इस वीडियो को बनाते बनाते मेरी बैंड बज गई है, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और आपके कोई भी पैसे नहीं कटने वाले। नंबर 2 पे एक बेहतरीन एक्शन मूवी जिसका नाम है एक्सट्रीम। ये मूवी आई थी 2021 में, जिसे IMDb ने 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक रिटायर्ड हिटमैन के ऊपर, जो अपने सौतेले भाई से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने अपने फादर का कत्ल कर दिया होता है। यानी कि उसके सौतेले भाई ने उसके फादर को मार दिया था, इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए निकल जाता है। तो इस मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको जरूर वॉच करने चाहिए। कमाल की बेहतरीन मूवी है गाइस, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो फाइनली गाइज, नंबर 1 पे एक बेहतरीन वॉर एक्शन मूवी जिसका नाम है 300 रेज ऑफ एन एम्पायर। ये मूवी आई थी 2014 में, जिसे IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर आपको कमाल की वॉर देखने को मिलने वाली है। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एथेनियंस ने फ्रांसिसिस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। अब यहाँ यूनान और फ्रांसियों के बीच खतरनाक कत्लेआम होता है, जिनके अंदर हजारों लोग मर जाते हैं। फ्रांसीसी फौज का एक लीडर होता है जिसका नाम होता है थीमस तितलीज। इस खतरनाक जंग के अंदर थीमस तितलीज राजा डेरियस को मार देता है। उसके बाद राजा डेरियस का बेटा अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने आप को इमोर्टल में, यानी कि गॉड में कन्वर्ट करना चाहता है, ताकि वो उस फौज के लीडर से अपने बाप का बदला ले सके। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को वॉच करना पड़ेगा। और अगर आप इस फिल्म को हाई क्वालिटी में देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन मूवीज। अगर आपको लिस्ट अच्छी लगी है तो लाइक करो, और ऐसे ही बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट मूवी मिस ना कर सको। तो फिर मिलते हैं किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।